अविनाश दोषी एट 11 PM ऑन वेंसडे नाइट मडालिन के एक बंगले में हो रही बर्थडे पार्टी का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। और ये भी है अविनाश दोषी एट 10 AM ऑन थर्सडे मॉर्निंग डेड एज अ डोरनेल उसी बंगले के पूल साइड पे औंधे मुंह गिरा हुआ मिला। तो गिरने से उसके बाएं कंधे के नीचे से निकलने वाली एक्सिलरी आर्टरी कट गई थी, काफी ब्लड लॉस हुआ। और सर उसका हार्ट फेल हो गया। सब बॉडी पे 13 माइनर इंजरीज हैं। घुटने बिल्कुल छिले हुए थे। उसकी डेड बॉडी के पास ये गिटार पड़ा हुआ था, उसके स्ट्रिंग्स टूटे हुए हैं। एक प्लेट में फ्रेंच फ्राइज थी और अविनाश के खून से सनी एक बियर बॉटल की टूटी हुई नेक। इस पे एक सेट ऑफ फिंगरप्रिंट्स मिले और कुछ स्मज निशान, ये उस बियर बॉटल के बाकी के टुकड़े। और सर उस बंगले में हमें ये 4 लोग मिले इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ हैंगओवर। रात को पार्टी में सबने काफी शराब पी रखी थी इंक्लूडिंग द विक्टिम। ये 4 सस्पेक्ट्स हैं हमारे सर। शीतल गर्ग, इसके 21वें बर्थडे पार्टी मना रहे थे सब लोग। अविनाश दोषी इसी का एक्स बॉयफ्रेंड था। रिजिमा समतानी, शीतल की बेस्ट फ्रेंड, अविनाश की डेड बॉडी को इसी ने डिस्कवर किया था और पुलिस को कॉल भी इसी ने किया था। और सर ये है देव परिहार, रिजिमा का बॉयफ्रेंड। सर ये जो बियर बॉटल पे हमें फिंगरप्रिंट्स मिले वो देव परिहार के हैं। मानव सोमानी, इसी ने बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। सर इन 4 में से किसी को भी नहीं पता कि अविनाश के साथ क्या हुआ। अविनाश का टाइम ऑफ डेथ है बिटवीन 4 AM एंड 5 AM। पार्टी रात को खत्म हुई थी करीब 2 बजे। पार्टी में इन 5 को मिला के 20 लोग थे और सर रात को 2 बजे के बाद सिर्फ ये 5 लोग थे घर में। एंड नाउ वन ऑफ देम इज डेड। तो शीतल ने अपनी बर्थडे पार्टी में बॉयफ्रेंड और एक्स बॉयफ्रेंड दोनों को इनवाइट किया? नहीं सर, शीतल का कहना है कि रिधिमा ने बुलाया था अविनाश को। सुनिए सर, अविनाश को पार्टी में इनवाइट करने का स्टुपिड आइडिया उस रिधिमा का था। मुझे तो इनफैक्ट पता भी नहीं था कि अविनाश इस पार्टी में इनवाइटेड है। मुझे तब पता चला जब ही शोड अप। कॉलेज में अगर शीतल की जगह मेरे लिए बचाया होता तो सॉरी बाबा। नो, मेरी फेवरेट जैकेट है ये। तो अब बजा देते हैं। अबे वो पायलोन, चल पार्टी ओवर, तो अपना ये मुजरा कहीं और जाया कर। चल निकल। तुम्हें और कोई नहीं मिला सिवाय इस डिकेट के? क्या बोला? सच। मेरी तो प्लीज प्लीज डोंट स्पॉइल माय पार्टी प्लीज। आई थिंक दैट वाज द लास्ट टाइम जब मैंने अविनाश को देखा था। मैम हम सभी लोग काफी टिप्सी थे और मानव भी काफी नशे में था। बहुत कुछ बड़बड़ा रहा था कि मैंने उसकी फेवरेट जैकेट को जला दिया सिगरेट से। दिस गिव्स देव अ मोटिव बट शीतल, शीतल झूठ बोल रही है सर। दिस इज नॉट द लास्ट टाइम शी सॉ अविनाश। हमें रिधिमा के फोन से एक वीडियो मिला शॉट एट 2:30 AM राइट आफ्टर द फाइट बिटवीन देव एंड अविनाश। आपको दिखाती हूँ सर। तुझे पार्टी में नहीं आना चाहिए था। क्यों आया तू पार्टी में? और बहुत पी ली है तूने। जा चुपचाप से जाके गेस्ट रूम में सो जा। मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए अब यहाँ पे, ठीक है? देव वैसे भी बहुत गुस्से में। चूतिया साला। लेट मी गो अविनाश। तुम्हें मानव इतना पसंद क्यों है? क्योंकि उसके पास उसके बाप का पैसा है? क्या दिखता है तुमको उसमें? जस्ट बिकॉज कि वो सुपर बाइक चलाता है। इडियट, पार्टी में भी ग्लव्स और जैकेट पहन के घूम रहा है। आई लव यू अ लॉट।
We are made for each other. Avinash, let me go. इतना सब होने के बाद ये चारों चुपचाप जाके सो गए. Hard to believe. रिद्धिमा के पास वीडियो था, उसने मानव या देव को दिखाया तो होगा. What does she have to say? नहीं बताया था ना ही मानव को ना ही देव को. शीतल ने भी मना किया था. उनको पता चलता ना तो जान से मार डालते उसे. देव तो टल्ली था ही, आउट ऑफ हिज विट्स. फ्रिज के सामने धुड़का पड़ा था. आई वॉज ऑल्सो फीलिंग लाइक शिट. पता नहीं क्या सोची थी कि मैंने उसको इनवाइट किया और क्यों ही मैं गई थी पूल साइड पे. एक्चुअली आई वेंट देयर टू अपोलोजाइज टू अविनाश फॉर देव्स बिहेवियर. तुम्हें मानव में दिखता क्या है? एंड आई एम ग्लैड दैट आई वेंट देयर. वरना अविनाश पता नहीं शीतल के साथ. Avinash was also drunk. I think he must have tripped and fell on his beer bottle. Finally, किसी ने तो अविनाश की डेथ को एक्सप्लेन करने की कोशिश की. ये कहती है ये पूल साइड गई थी अविनाश से अपोलोजाइज करने के लिए. वहां इसने देखा कि अविनाश शीतल को मोलेस्ट कर रहा था. हो सकता है बाद में कन्फ्रंट किया हो, दोनों के बीच झगड़ा हुआ. ऑलरेडी गिल्ट था इसके मन में अविनाश को इन्वाइट करने का. झगड़ा बढ़ गया हो, गुस्से में इसने बियर बॉटल से स्टैब कर दिया और अब कह रही है कि वो नशे में था, खुद गिर गया होगा. He tripped. Sir, she is not the only one. इसके बॉयफ्रेंड देव का भी यही कहना है. सर, जब अविनाश फ्रिज के पास गया था बियर लेने के लिए तब देव वहीं पड़ा हुआ था. मैम, आई थिंक अविनाश ट्रिप्ड एंड फेल क्योंकि कुछ गिरने की आवाज तो आई थी मुझे, बट आई वॉज टू ड्रंक. So, maybe वहीं फ्रिज के पास आई डोज ऑफ. मानव था शायद रिधिमा के साथ सोफे पर, वो कुछ फोन में देख रहा था. मैम, मानव वॉज स्टिल इन हिज बाइकर गेयर. मैम, ही इज ऑब्सेस्ड विद हिज बाइक. उसका बस चले तो वो बाइक पर ही सो जाए. मैम, फिर उसके बाद मैं सो गया. एक बार बीच मेरी आंख खुली थी मैम तो ऐसी आवाजें आ रही थी कि कोई झगड़ रहा है. एक दो बार कुछ गिरने की भी आवाज आई मुझे. बट मैम, अविनाश वॉज नॉट सपोज टू बी इन दैट पार्टी. शायद उसकी मौत ही उसे वहां खींच के लाई थी. इसका अविनाश से पहले ही झगड़ा हो चुका था. इनफैक्ट इसने उसे मारने की कोशिश की थी. बियर की बॉटल पे इसकी उंगलियों के निशान भी हैं. एंड ही लुक्स दैट टिपिकल पॉजेसिव टाइप्स. फिर ये फ्रिज के पास धुत पड़ा था और अविनाश ने पैर से इसे पलटा और इसने कुछ नहीं किया. हाउ स्वीट. चलो लेट्स सी व्हाट्स आवर लास्ट सस्पेक्ट्स वर्जन. मैम, पता नहीं मुझे ये कैसे लग गया. कल रात में पार्टी में तो अविनाश ने जान फूंक दी अपनी गिटारिंग से. हैशटैग शीतल्स बर्थडे बैश वाज ट्रेंडिंग. लेकिन बाद में उस साले ने सब गड़बड़ कर दिया. क्या? अविनाश ने शीतल को मोलेस करने की कोशिश की लेकिन इस बारे में शीतल ने मुझे कुछ नहीं बताया. जब देव और अविनाश की लड़ाई हुई ना उसके तुरंत बाद में सोने चला गया और उठा तब जब पुलिस आई. आई नो हूज द किलर. तुम्हें क्या लगता है कौन है हमारा मर्डरर? शीतल, जिसे अविनाश ने मोलेस्ट करने की कोशिश की, या फिर रिद्धिमा, जिसने अविनाश को पार्टी में इनवाइट किया था टू स्पाइस अप थिंग्स और फिर उसने अविनाश को अपनी बेस्ट फ्रेंड शीतल को मोलेस्ट करने की कोशिश करते हुए देखा? देव, जिसके साथ अविनाश का झगड़ा हुआ था और जिसके फिंगरप्रिंट्स बियर की बॉटल पर मिले, या शीतल का बॉयफ्रेंड मानव जिसने शायद वो मोलेस्टेशन वाला वीडियो देख लिया था? Let's have beer. I'm on duty, sir. Oh.
पकड़ तो सकती हो ना। होल्ड इट, पीना मत। कम अविनाश गिरा जरूर, उसकी बगल में जो बियर की बोतल थी वो भी टूटी, लेकिन उस बोतल से उसकी आर्टरी नहीं कटी। सॉरी, इसकी नेक लेकर आ रहा हूं, क्योंकि अगर ये वही बोतल होती तो इसकी नेक पर भी ढक्कन होना चाहिए था, ठीक इस तरह। एंड आई एम श्योर कि तुम्हें सीन ऑफ क्राइम पर भी ऐसी कोई नेक नहीं मिली होगी। नहीं सर, क्योंकि किलर ने उसे डिस्पोज कर दिया तुम्हें मिसलीड करने के लिए। तुम्हारे सारे सस्पेक्ट्स बंगलो से सीधे इंटरोगेशन के लिए आए थे ना, विच मीन्स किसी के पास ना तो कपड़े बदलने का टाइम था और ना ही वजह, एक्सेप्ट मानो। पर सर वो भी उन्हीं कपड़ों में आया था। सिमिलर नॉट सेम। उसका इंटरोगेशन वीडियो चलाओ। अविनाश ने शीतल को मोलेस्ट, थोड़ा इनलार्ज करो। लुक एट हिज जैकेट, इसकी जैकेट तो सिगरेट से जल गई थी ना, तो फिर जलने का निशान कहाँ है? विच मीन्स इसने सिमिलर जैकेट पहनी है, सेम जैकेट नहीं। और वो चेहरे पर चोट के निशान, 6 मार्क्स। गिटार में भी 6 स्ट्रिंग होते हैं ना। तो कुछ यूं हुआ होगा, देव ने क्या कहा था? जब उसकी आंख खुली उसने देखा मानव सोफे पर बैठा मोबाइल पर कुछ देख रहा था। वो मोबाइल रिद्धिमा का था, वही मोबाइल जिस पर रिद्धिमा ने मोलेस्टेशन वाला वीडियो शूट किया था। वो वीडियो देखकर मानव गुस्से से तिलमिला उठा और उसने अविनाश को कन्फ्रंट किया। अविनाश नशे में था, बगल में बियर की बोतल थी और एक हाथ में गिटार। उसने उसी गिटार से मानव पर अटैक किया, पर चूंकि बहुत ज्यादा नशे में था लड़खड़ा गया होगा, बैलेंस गिरा हो। मगर वो बियर की बोतल तब भी नहीं फूटी थी, क्योंकि शराबी कितने भी नशे में क्यों ना हो खुद गिर सकता है, बोतल नहीं गिरने देगा। पर्सनल एक्सपीरियंस है। एनीवेज, उस लोकेशन पर एक टूटी हुई बोतल तो पहले से मौजूद थी, वही बोतल जिसे देव ने तोड़ा था। गुस्से में आग बबूला मानव ने उसी बोतल का टूटा हुआ नेक उठाया और अविनाश को दे मारा। आर्टरी कटी, खून निकला, बोतल गिरी, बोतल फूटी, हेंस 13 इंजरी मार्क्स इन द फ्रंट। इसीलिए तुम्हें इस बोतल की नेक पर देव के फिंगरप्रिंट्स मिले और एक स्मश्ड प्रिंट ग्लव्स की वजह से, वही ग्लव्स जो मानव ने पार्टी में पहने हुए थे। लेकिन अफसोस, इंटरोगेशन में ग्लव्स गायब थे, क्योंकि आर्टरी कटने से बहुत खून निकलता है, उसे ग्लव्स और जैकेट खून से तर हो गए होंगे, तो उसने उन्हें डिस्पोज कर दिया, साथ ही साथ उस सील्ड बॉटल की टूटी हुई नेक भी, और उसकी जगह ये नेक रख दी ताकि सबको लगे इट वॉज एन एक्सीडेंटल डेथ। Cheers.